दोस्तों नमस्ते, मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये आज का पिका जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। देर रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे वो आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। देर रात मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी वो कैसी थी और आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए, यहाँ पे इंटेंशन सही रखना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी कैसी थी देर रात। देर रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। देर रात जस्ट प्लीज गाइड करें, पेज वांट्स द हर्मिट टू ऑफ वांट्स एट ऑफ सोर्स King of Cups, the Devil, Knight of Swords, Page of Swords, just please guide करें, the High Priestess, Knight of Wands, Three of Pentacles, Strength, Warden the Deck से देखिए, यहाँ पे सारे साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वन मिनट हियर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरिस, लियन, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में जो फीलिंग्स थी आपके लिए वो रोमांस, अट्रैक्शन, पैशनेट एनर्जी आपको वो फील कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी भी थे। ऐसा नहीं है, शायद आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक उनके अंदर पावर नहीं हो और ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन याद रखिए आपके पार्टनर के मन में आपकी खामोशी का भी असर दिख रहा है, द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, और इस खाम अगर आप यहाँ पे खामोश हो, चुप हो, तो उनके दिल में प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, आपके प्रति प्यार उमड़ रहा है इस खामोशी के पीछे भी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपकी खामोशी है तो उसके पीछे भी बहुत सारे व्यूअर्स आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है या आप कुछ सीख रहे हो, हीलिंग, हीलर, टैरो। ठीक है, या आप रीड कर रहे हो, मतलब आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ और ये इसका असर और खामोशी का असर। आपके पार्टनर के मन में प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट, ये सब दिखा रहा है और उसके बाद पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन के अंदर देखिए एकदम से प्यार उमड़ रहा है, मैं क्या बोली, प्यार उमड़ रहा है, बट ये पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। ठीक है ना, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, कहने का मतलब आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त वो मतलबी हो रहे हैं। मतलबी मीन्स रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, पैशनेट एनर्जी। ठीक है, तो अब द हर्मिट की एनर्जी कह रहे हैं, भले ये दुखी उदास हैं लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरह आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपके पार्टनर भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी हीलिंग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक होप, एक विश्वास अभी भी उनके मन में है, लेकिन ये चाहत आपके प्रति बढ़ रही है। ठीक है, वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं। अगर वो स्टक भी हैं, अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, लगातार आप पर नजर रख रहे थे, लेकिन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मन में डर पैदा कर रहा है। इनके कॉन्फिडेंस में डर था, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही थी 7 of Swords, ये डर की एनर्जी है, और ये कॉन्फिडेंस लेवल इनके मन में जो है वो डर पैदा कर रहा था आपके प्रति। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कुछ लोग, आप लोग कांटेक्ट में हो, या फिर कुछ लोग की बात हुई हो, देख लीजिए, ठीक है, कुछ लोग की बात हुई हो, कुछ लोग की विश पूरी हुई हो, लेकिन ये सब कमाल आपकी एनर्जी के परिवर्तन से हो रहा है। सबसे बड़ी बात 9 of Pentacles द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बदलाव, आपके अंदर जो इम्प्रूव हो रहा है पॉजिटिविटी, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये आपके अंदर वो ग्रोथ बढ़ा रहा है, जहां आपके अंदर वो काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नोटिस बहुत कर रहे हैं। छुप छुप कर नजर रखना, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि जो बंदा या बंदी मतलब मेरे बिना खुश नहीं रहता था या खुश नहीं रहती थी, उसको मेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, आज जो आप स्टक एनर्जी में रहते थे, वो आज इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, ये आपके पार्टनर सोच रहे थे कि ये इंसान ऐसा है आपके बारे में कि मेरे बगैर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, स्टक था, बंधा हुआ था मेरे लाइफ में, मेरे एनर्जी में, मेरे प्यार में, लेकिन आज इतना स्ट्रेंथ आपके पास कहां से आया। लेकिन इस पर्सन के मन में जितना स्पाई था, उतना ही भयानक डर था कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, जो इनकी चाहत है, नीड है आपसे, वो अगर पूरी नहीं होगी तो ये क्या कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इनके मन में डर भी पैदा हो रहा था, स्मोकिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, किसी पर गुस्सा उतार सकते हैं, तो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने आपके साथ कुछ किया है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि इन्होंने अगर आपके साथ धोखा और चीट किया है, चीज़ें छुपाई हैं, तो आपने कैसे बर्दाश्त किया, लेकिन ये चीज़ इनके साथ होगा तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये धोखे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि जो इंसान आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, जो इंसान मेरे बगैर सोता नहीं था, खाता नहीं था, पीता नहीं था, जगता नहीं था, मुझे देखे बिना उसे चैन नहीं था, था या थी, जो भी आप, वो पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आखिर आपके अंदर ये पावर आई कहाँ से, या आपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, या आपने हेल्थ को इम्प्रूव किया, या आपके अंदर पावर आई, आपके अंदर बदलाव आया, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ये सब का प्रभाव आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पे पड़ रहा है, जो यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, लेकिन ये अग्रेसिव एनर्जी के साथ है, मतलब प्यार भी करूँगा तो गुस्से में भी प्यार करूँगा, प्यार में भी गुस्सा करूँगा, हक दिखाना। ठीक है, क्योंकि इनके मन में डर है और ये आपको नोटिस कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। भाई, ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो वाली बात आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर के साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार का डर है, और ये नज़र आप पर है, कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए, अगर कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया तो ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आई नीड यू,
ठीक है, इन्हें नीड है आपकी, बस इतना चाहती, क्योंकि पैशनेट भी है, अट्रैक्शन भी है, रोमांस भी है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके ऊपर दिखा रहा है कि आपका जो बदलाव हुआ है इस वजह से इनकी एनर्जी ट्रिगर करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी पाना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे तो आप उनसे दूर नहीं जाओगे, फिर वही स्टक वाली एनर्जी में आप रह जाओगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि खुद को हील भी करना, चाहे मैं दुखी हूँ या उदास हूँ, परेशान हूँ, लेकिन एक होप है कि मुझे तुम्हारे बहुत करीब आना है, बहुत करीब आना है, ठीक है। और ये पैशनेट एनर्जी, तो देखिए यहाँ पे ये बंदा अग्रेसिव भी है अंदर से, याद रखिएगा, मन में डर है तो अग्रेसिव भी है, और सबसे बड़ी बात ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, स्टॉक कर रहा है, स्पाइक कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये बंदा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ आया है और आपकी खामोशी और हेल्थ वेल्थ आपकी इम्प्रूव हुई है या आप फोकस कर रहे हो, ये चीज इनको बहुत ज़्यादा अंदर से ट्रिगर कर रही है, ये आपको बहुत करीब से पाना चाहते हैं, मतलब कि बहुत आपको अपना बनाने के लिए फिजिकल लेवल पर जो मिस करें उस तरह से आपको ये पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके करीब आएंगे तो आप उनसे दूर नहीं जाओगे, फिर आप एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में चले जाओगे, आपके मन में डर हो जाएगा, आपको बांध कर रखना चाहते हैं, खुद के लाइफ में आपको बांध कर रखना चाहते हैं और दूरियों को कम कर आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं। तो ट्रैवल भी यहाँ दिख रहा है, मतलब ये तेजी से आना आपकी तरफ तेजी से भी दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपका परिवर्तन ही है नाइन ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ, ये आपके परिवर्तन इनके माइंड बॉडी सोल को ना बहुत हीट कर रहा है, मन में डर पैदा कर रहा है, और लगातार ये बंदा आपके बारे में जानकारी भी ले रहा है या ले रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार स्पाई, छुप छुप कर नजर रखना, आपके बारे में जानकारी लेना कि इतना परिवर्तन आप में अगर आया है तो वो क्यों आया है, कहाँ से आया है, कहीं आप किसी से बातचीत करते हो या आपकी जिंदगी में कोई आया है, तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, इतनी पावर में आना ये बहुत बड़ा बदलाव लाना, ये चीज इनको होता है ना, ये इंसान का जो है ना मन में ये चीज डाइजेशन, हाँ वही कह सकते हैं, पच नहीं रहा। और हर हाल में ये बंदा की विश है कि अपने मन को डर खत्म कर आपके बारे में जानकारी लेना है, और बहुत करीब रोमांस के साथ आपके करीब आना है, ये एनर्जी बता रही है आपको, आपके बहुत करीब आकर आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह वो पहले आपके करीब आते थे और आप उन्हें छोड़ते नहीं थे, उस तरह की वाइब्रेशन है। तो ये आपसे बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं कह दूँ कि अगर ये फ्यूचर प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच है, लेकिन ये छोटा मोटा जेस्चर है, क्योंकि यहाँ रोमांस दिखा रहा है, रीयूनियन दिखा रहा है, क्योंकि हर हाल में ये बंदा इस एनर्जी के अनुसार आपको अपनी एनर्जी में बांध कर रखना चाहता है या चाहती है, मतलब आपको प्यार करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप उनसे दूर ना जाओ, उनको धोखा ना दो, ठीक है। चाहे आपकी फैमिली हो या आपकी फैमिली प्लानिंग हो, जो भी हो, यहाँ पे ये बंदा चाहता है कि आप उनसे दूर ना जाएं, ठीक है। और ये विश है उनकी, एक तो जानकारी लेना है और ये विश है कि आपके करीब आना है और आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑफर करने की प्लानिंग कर रहे थे, आपसे बात करने की प्लानिंग कर रहे थे, आपके करीब आने की प्लानिंग कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज आया हो और कुछ लोग के लिए है कॉल मैसेज, रीयूनियन, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, लेकिन आपका असर उनके दिल और दिमाग पर हो रहा है और आपकी जानकारी भी ली जा रही है कि आप कहाँ बिजी रहते हो, क्या करते हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, किससे बातें कर रहे हो, ये चीज़ भी आप पर नज़र रखा जा रहा है। आपकी अगर फैमिली है तो आप फैमिली के साथ आपका कैसा चल रहा है इसकी भी जानकारी है। आपका हेल्थ इम्प्रूव हो चुका है ऐसा वो सोच रहे हैं,
तो जिम वगैरह जा रहे हो या करियर फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, अपने पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हो, या आप हो सकता है कभी कभी आप पक्षियों के करीब जाते हो, आपको पक्षी को देखना पसंद आता हो सकता है आप अट्रैक्ट करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो, नेचर से कनेक्ट रहते हो, आपको पेड़ पौधे बोना अच्छा लग रहा है, आप उनमें घुलना मिलना आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज़ भी वो स्पाइक कर रहे हैं। लेकिन ये जानना है कि तुम्हारे दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, ये जानना है। ये अग्रेसिव एनर्जी के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन है, गुस्सा के बाद प्यार भी, मन में डर भी है, स्पाई भी है, आपकी जानकारी ले रहे हैं, ये बातचीत कर सकते हैं या कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया हो। तो ये पर्सन हर हाल में आपकी तरफ रियूनियन चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो ये असर हो रहा है आपकी एनर्जी का, आपके परिवर्तन का, आपकी खामोशी का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके अंदर जो विल पावर बढ़ा है, जो भी हो जैसे भी हो, आपके परिवर्तन का ही असर इनके ऊपर हो रहा है। ये डर और स्पाई नोटिस, ठीक है, ये डर कहीं आप किसी और के साथ तो बात नहीं, कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में घुल मिल तो नहीं गए, या कहीं आपकी कहीं किसी और के साथ कमिटमेंट तो नहीं हो गई, भाई ये चीज़ बदलाव परिवर्तन इनको बहुत तोड़ रहा है। लेकिन हर हाल में मन के डर को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में आपकी नीड है, और ये नीड पूरी होने के बाद इनको ऐसा लगता है कि जब आप करीब आते हो तो आप दूर नहीं जा सकते हो, अपने आप में ये बांध कर रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, यानी देर रात वो क्या महसूस कर रहे थे, देख लीजिए। बहुत अट्रैक्शन दिख रहा था, द स्टार, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द डेविल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है, मिसिंग एनर्जी के साथ साथ फैंटेसी, रोमांस एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था। उनको पता है कि ऐसे करेंगे तो आप उनके बस में रहोगे, लेकिन उनका दिल मत तोड़ना, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई धोखा दे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये किसी को धोखा दे तो सब लोग बर्दाश्त कर सकता है। मतलब आपके साथ कुछ गलत किया इन्होंने तो आप बदल रहे हो तो इनको खल रहा है, और किस तरह आपको अट्रैक्ट करना ये भी बंदा जान रहा है, या बंदा हो या बंदी हो ये जान रहा है, लेकिन इनको कोई धोखा चीट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, देर रात जो आपके लिए महसूस कर रहे थे। वीडियो अच्छी लगी डियर तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।